अब प्रसंग के अनुसार से आप बहुत चतुर हैं, मेरे को लगता है चतुर हैं तभी रामायण में आए हैं। टीका के दौरान दो ठो अंतर कथाओं को आप छोड़ दिए। सदा वसंत हृदय रविंद भवम भवानी सहित का भावार्थ अनुशासन पूजा सभी कुछ बहुत ही सुंदर रहा, अनुकरणीय रहा।
एक प्रश्न तो जानकारी के रूप में, जिसके अंक आपको प्राप्त नहीं होंगे, केवल जनता जनार्दन से वाहवाही आपको मिलेगी, बाकी मानस के प्रासंगिक प्रश्न होंगे। पहला तो जानकारी यही है कि अभी जो नवदुर्गा आप बोले, भजन गाए, तो नौ दुर्गाओं का अभी अभी हम लोग सब लोग पूजा करके निवृत्त हुए हैं, दशहरा भी मनाए, तो गुरुदेव नौ दुर्गाओं का नाम हमारे जनमानस को थोड़ा सा बता दीजिए। परम श्रद्धे जी मेरे गुरुवर गुरुदेव, बड़े सौभाग्य प्राप्त होते का जैसे साल भर में नव दुर्गा हराते और जम्मो जन नौ दिन के पूजा करते हैं। मैं सोचत रहूं और गुरुवर गुरुदेव और साहू जी शायद अब मंच में ना मिली तो सबने पहले आप दोनों झलमों के सत्सत नवन वंदन प्रणाम है, धन्य है आप। वास्तव में नव दुर्गा का नाम जो है, मैं चटिका कनेक्ट अपन में सुझिया की कह रहा हूँ, सैंक ब्रह्म चंद्र कुश स्कंद काका गौरी महा गौरी जी थी, ऐसे कहे अपन में, मतलब सैद ब्रह्म चंद्र कुश स्कंद काका गौरी सिद्धि, कहने का मतलब सैद पुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्र घंटा कुशमांडा स्कंद माता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी सिद्धिदाता। बोले दुर्गे मैया की जय। अब प्रसंग के अनुसार से आप बहुत चतुर हैं मेरे को लगता है, चतुर हैं तभी रामायण में आए हैं। टीका के दौरान दो ठो अंतर कथाओं को आप छोड़ दिए और आप जान रहे थे कि सर इसी का प्रश्न करेंगे, इसीलिए छोड़े हैं जान बूझ कर। अगर उन दोनों कथाओं को प्रकाश डालेंगे तो टीका भावार्थ के भी नंबर पूरे मिलेंगे, और उन दोनों अंतर कथाओं में प्रकाश नहीं डालेंगे तो कुछ टीका में भी कटेंगे और प्रश्न उत्तर में तो भाई अब जब नहीं है बताएंगे तो अब समझ लीजिए क्या होगा। तो अंतर कथाओं में हमको विश्वास है कि आप बताएंगे कहाँ से पन्ना पलटने का सर ये सोई के विपाल केवट ही नहीं हो रहा यहां से नहीं, जे ही जग किया तिहू पग हूं दे थोरा, ये प्रथम। और द्वितीय सर पद रख निरखी देव सरी हरखी, इन दोनों को सर थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। परम श्रद्धे सम्मानित नायक महोदय जी, सोई के विपाल केवट ही नहीं हो रहा और जही जग किए तेहु पग ते छोरा, वास्तव में भाव है कि जब गंगा मैया है, ये गंगा मैया केवट की बात और रामचंद्र की वार्तालाप का सुनत रही है, और गंगा जी का वास्तव में एक सोच बनी इसकी, वास्तव में ये तो संसार के पालनहार हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी आज केवट के निहोरा कर रहे हैं, मतलब केवट के पास ऐसे बात कर रहे हैं कि मतलब आपके द्वारा ही इस गंगा को पार जाना है। और गंगा जी ये भी कहती हैं कि पद न कटी रख देवर ऋषि हरसी और सुनी प्रभु वचन मोहमति करसी, गंगा जी अभी कह रहे हैं कि प्रभु के इन वचनों को सुनकर के गंगा जी जो है गंगा जी की जो बुद्धि है वो मोह से खींच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट के निहोरा कैसे हो रहे हैं, ये दुनिया के जो संसार के पार कर रही आए हैं, जीव जंतु के पार कर रही आए हैं, तो वास्तव में आज ये केवट की कहाँ बात है, कैसे बात है कि मतलब एक पास गिड़ गिड़ाओ थे, एक पास ऐसा कराते हैं, ऐसा कुछ भाव रही थे। परम सत्य निर्णायक महोदय,
आप लोगों में से और बहुत से विद्वत जन बैठे हुए हैं, नौ की संख्या में हैं, तो नौ में से और कोई भी स्पष्ट करें। सर जी तो बताए, बहुत बढ़िया बताए हैं। परम आदरणीय निर्णायक महोदय जी, मैं गुरु जी के भाव में थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी केवट का उद्धार कर रहे हैं, उनका मतलब कहना चाहिए कि पार लगा रहे हैं, अभी उतरना है गंगा जी से पार जाना है, ऐसे कुछ केवट जी का उद्धार कर रहे हैं। इसे गुरुदेव टीका को पढ़िए तो आप, ये चौथी लाइन के बाद का पद नख निरख देव ऋषि हर्षी, नहीं टीका को, टीका को इसके ऊपर का सोई की पालु वाले का। हाँ, यहाँ पर सोई की पालु के वट ही नहीं हो रहा। हाँ, जही जग किए होते थोड़ा, बस यही इसी को तो पूछ रहा हूँ, जही जग किए तिहु पग होते थोड़ा, इसको और पद नख निरख देवसरी हर्षी, देवसरी अर्थात गंगा जी भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल के नखों को देख करके हर्षित हुए। और टीका में उधर लिखा है कि जिस जो इस पूरे संसार को तीन पग से भी छोटा बना दिए, वो आज गंगा नदी को केवट का निहोरा मना रहे हैं, तो इसका क्या भाव है? प्रश्न ज्यादा कठिन लग रहा है क्या? जी जी, कठिन लग रहा है, कठिन खैर नहीं है सर, जानकारी का भाव में कठिन है, नहीं जान रहा। हाँ सर, नहीं जानकारी है आपको, आज भूल गए हैं लग रहा है। अरे भाई, भगवान जब वामन का उद्धारण किए हैं तो कई पग जमीन मांगे थे राजा बलि, तीन पग, तीन पग, तो दो पग में ही तो नाप लिए पूरे संसार को, तीसरे पद के लिए तो उनको जगह बताने में असमर्थ रहा। वही बोल भाई कि जो दो पग में संसार को नाप लिए, तीहूं पग होते थोड़ा, तीन पग से कम बना दिए, आज गंगा नदी को नहीं लांग सक रहे हैं। जी जी, और आगे है पद नख निरख देव शरी हर्ष, गंगा जी का उत्पत्ति स्थल विष्णु जी के पैर है, पद नख है उनके, नख उनके चरण कमलों को धो करके ब्रह्मा जी रख ले तो बहुत बड़ी कथा है, पर इतने मान्य वहां से गंगा जी का अवतार हुआ। तो जब अपने उत्पत्ति स्थान को आप देखेंगे तो हर्षित होंगे कि नहीं होंगे, जन्मभूमि जन्म स्थान पर तो देखी तो बहुत हर्षित हुई, आज मैं विष्णु जी के जो चरण कमलों से उत्पत्ति मेरी हुई है वो राम जी के चरण कमलों को मैं देख रही हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, ये अंतर कथा। अब इसको आप जान रहे हैं, लेकिन पता नहीं भाई ऐसा है कि ये कंपटीशन है, यही तो बालक को होता है कि वो उत्तर देने के समय भूल जाता है कि किस पाठ में है, किस पृष्ठ में है। तो सर जी अब थोड़ा सा एक प्रश्न और बता दीजिए, मैं देखता हूँ पूरक प्रश्न में, नाव में कितने लोग सवार थे सर? चलिए और सरल कर दिया जी, परम श्रद्धे निर्णायक महोदय जी, अब यहाँ पर तो देखा जाए तो एक चलाने वाला केवट और प्रभु रामचंद्र जी, लक्ष्मण, सीता और चारे लोग थे सर, निषाद राज। हाँ जी, चार के बाद ही पांचवा कहाँ से आ गया सर? पांच थे सर उसमें, निषाद राज वो भी था उसी में, पांच जने पार किए हैं गंगा नदी। बोले शंकर भगवान की जय, रामचंद्र की जय हो। परम श्रद्धे शंकर सुवन मानस परिवार सारा,
आपका गायन वादन प्रस्तुति बड़ा ही सराहनीय रहा। सर आप दोहा क्रमांक 99 से तीसरी लाइन चौपाई को देखेंगे। मांगी नाव न केवट आना, कहे वो तुम्हार मरम मैं जाना। भगवान राम केवट से नाव का आग्रह कर रहे हैं। इसके पहले किसी से और कुछ मांग किए हैं क्या? प्रभु श्री रामचंद्र। हाँ श्री राम जी, नहीं हमारे अब बालकांड दोहा क्रमांक 76 को देखेंगे। अब बिनती मम सुनहु शिव, जौ मो पर निजने जाय विवाह होसैल जहि, यह मोहि मांगे दे। भगवान शिव से माँ पार्वती के साथ विवाह करने के लिए भगवान श्री राम मांग करते हैं, ऐसा अध्ययन के दौरान मुझे प्राप्त हुआ है। बोलिए शंकर भगवान की जय।